गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो मैंने कुछ दिनों पहले अनाडिल की काफ़ी सारी शॉर्ट्स अपलोड की थी, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने सोचा कि अनाडिल के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अनाडिल, जो कि आर्मी हेरिटेज एरिया है। सो लेट्स गो एंड वॉच द कम्प्लीट वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो ये है सामने स्टेट लाइब्रेरी और इसी के साथ में है विधानसभा। तो अनाडिल का रास्ता यहीं से जाता है नीचे की तरफ। यहाँ पर आसपास काफ़ी अच्छी अच्छी लोकेशंस है, तो यहाँ इस लोकेशन से उन लोकेशन का डिस्टेंस कितना है वो यहाँ पे एक बोर्ड पे दिखाया गया है। लेट मी शो यू दैट बोर्ड। तो ये आप देख सकते हो, बोर्ड में काफ़ी सारी लोकेशन दिखाई गई है और उनका डिस्टेंस यहाँ से कितना है वो दिखाया गया है। साथ ही में आप देख सकते हो ये नीचे की तरफ रास्ता है अनाडिल का। तो चलो चलते हैं। सो गाइस ये जो रास्ता ये है विधानसभा से आने वाला रास्ता, और इस तरफ है चौड़ा मैदान से आने वाला रास्ता, और ये मेन रास्ता जाता है अनाडिल के लिए। लेकिन हम जाएंगे यहाँ से क्योंकि यहाँ से है शॉर्टकट। चलो चलते आगे आगे आपको बताते रहेंगे। तो गाइज आप देख सकते हो चारों तरफ घना जंगल है और पूरा हरा भरा है, और ये जंगल से होते हुए रास्ता है जाने का। और आजकल जून जुलाई का महीना है, लेकिन यहाँ पे वेदर एकदम प्लीजेंट है, और यहाँ पे ना तो गर्मी है और ना ही ज़्यादा ठंड, एकदम परफेक्ट मौसम है। तो आप देख सकते हो चंडीगढ़ जैसे शहर में कितनी गर्मी है आजकल, और यहाँ शिमला में बिल्कुल एकदम बढ़िया मौसम बना है। तो ये मौसम जो है सबसे बेस्ट है यहाँ पर घूमने का। तो चलते हैं आगे अनाडिल की तरफ। तो मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हो ये है शिमला ब्रिटिश रिजॉर्ट, और ये रिजॉर्ट जो है ब्रिटिशर्स के टाइम का है। गाइस रास्ते में ये आती है ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट सा है। तो गाइज ऑलमोस्ट हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर से देवदार के पेड़ है, और आप इनकी हाइट देख सकते हो कितनी लंबी है। तो अगर आप कभी यहाँ पे आओ तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप यहाँ पे पैदल आओ, क्योंकि जंगल से होते हुए रास्ता काफी सुंदर है और यहाँ पे हरा भरा है चारों तरफ। तो नीचे पीछे रोड है, यहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन है, तो थोड़ा ही चलने के लिए रहता है। सो लेट्स गो। तो गाइस मेरे पीछे आप बोर्ड देख पा रहे होंगे, ये है राष्ट्रपति निवास शिमला का, जो कि मशोबरा में है। तो अगर मेरी इस वीडियो पे 10K व्यूज़ आ जाते हैं विद इन वन मंथ, तो मैं आपको जैसे ही 10K व्यूज़ कंप्लीट होंगे आपको इस लोकेशन पे ले जाऊंगी। ये काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है, तो जल्दी जल्दी आप वीडियो को शेयर कर दो और डू लाइक कमेंट। इसी के साथ हम पहुँच गए हैं अनाडिल आर्मी हेरिटेज म्यूजियम। तो यहाँ पर आप पीछे देख पा रहे होंगे ये है म्यूजियम का गेट, एंट्री गेट। तो चलो चलते हैं। आज की वीडियो में मेरी साथी है मेरी सिस्टर श्वेता, जिसको आप पहचान के होंगे क्योंकि हर वीडियो में मोस्टली मेरे साथ ही होती है, और एक है कैमरामैन गीतिका जो वीडियो बना रही है, उसको भी आपको आगे दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं, एंट्री करते हैं। सो गाइस सो गाइज यहाँ पे एंट्री करते ही हमारा स्वागत होता है इन बड़ी बड़ी तोपों से। आगे देखते हैं हमें क्या क्या चीजें मिलती है, तो मेरे साथ आगे बने रहे। तो आप देखो काफी सारी तोप है, एक वहाँ है एक यहाँ है, कुछ तोपे ऊपर है कुछ इधर है। दिस प्लेस इज सो ब्यूटिफुल एंड ग्रीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सुंदर सुंदर फूलों की क्यारियाँ बनाई गई है। सामने बोर्ड पे शिमला की हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, एंड दिस कॉर्नर इज़ डेडिकेटेड टू हिमाचल वॉरियर, हीरोइक सोल्जर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सामने हिमाचल प्रदेश के हीरोइक सोल्जर के स्टैचू लगे हैं, साथ में ही लगी है उनकी नेम प्लेट और उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो
ये सामने है मेन आर्मी म्यूज़ियम अनाडेल का। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो भी आर्मी से रिलेटेड रहती है वो सारी चीज़ें रखी गई है, वो सारी चीज़ें दिखाई गई है कि आर्मी की हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हमारे साथ हुई, आर्मी ने कैसे वॉर्स लड़े, वो चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई गई है। आर्मी में कौन कौन से चक्र होते हैं, पोजीशन के हिसाब से किसकी कौन सी यूनिफॉर्म होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। तो जो कि मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊँगी, तो मेरे साथ आगे वीडियो में बने रहे। तो इस प्लेस को काफ़ी अच्छे से मेनटेन किया गया है, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और ये प्लेस काफ़ी पीसफुल है और ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल भी है क्योंकि यहाँ पे आर्मी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई है। तो आप भी इस प्लेस को ज़रूर विज़िट कीजिए क्योंकि ये एक मस्ट विज़िट प्लेस है। तो ये सामने जो आप देख पा रहे हो ये है अनाडेल का ग्रीन एरिया, क्योंकि यहाँ पे अंदर सारी चीज़ें ग्रीन ही ग्रीन है और इस जगह को काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, काफ़ी अच्छे से मेनटेन किया गया है। तो यहाँ पर अंदर काफ़ी सारे प्लांट्स है, तो यहाँ पे आपको प्लांट्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको आर्मी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मतलब यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप भी ये प्लेस ज़रूर विज़िट कीजिए। तो यहाँ पे आप सामने देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स है और साथ ही में उनके नेम भी मैंशन है कि उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं। तो काफ़ी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लांट्स लगे हैं यहाँ पर और काफ़ी डिफरेंट वेराइटी के प्लांट्स हैं। मैंने तो यहाँ पर आके काफ़ी सारे प्लांट्स पहली बार देखे। यहाँ सामने आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल प्लांट्स है और उन्हीं प्लांट्स के साथ में नीचे रखे गए हैं स्टोन और उन स्टोन के ऊपर जो है इन प्लांट्स के नेम मेंशन है। तो ये सामने आप देख सकते हो मिस्टर एंड मिसेस कैनेडी। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी डेंजरस सा डायनासोर जो कि एक विलुप्त प्रजाति है और यहाँ पे आप देख सकते हो एक काइंड ऑफ छोटा सा ऊपर हाइट पे एक हाउस है, यहाँ पे आप अच्छे से अपना लंच कर सकते हो और यहाँ से व्यू भी काफी अच्छा आता है। तो सामने आप देख सकते हो यहाँ पे एक कैफ़े भी है जिसका नाम है एनाज कैफ़े। तो यहाँ पे खाने से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसी के साथ में एक बहुत बड़ा ग्राउंड आई थिंक जहाँ पे आर्मी वालों की ट्रेनिंग होती है, तो ये ग्राउंड काफ़ी बड़ा है और काफ़ी हरा भरा है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इस लोकेशन का सबसे पहले यूज़ ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया ड्यूरिंग दी ब्रिटिश रूल, क्योंकि वो यूरोपियन थे और वो इंडिया के एनवायरनमेंट को अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो कैप्टन कैनेडी थे जिन्होंने इस लोकेशन की खोज की और उन्हें ये लोकेशन इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस लोकेशन का नाम अपनी डियर लेडी एना के नाम पर एना रखा और डेल मीन्स घाटी, तो इस तरह से इस लोकेशन का नाम पड़ा एनाडेल। तो चलो अभी विजिट करते हैं जो यहाँ का मेन आर्मी म्यूज़ियम है वो। तो यहाँ पे बाहर लगी है ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव आर्मी सोल्जर की फ़ोटोग्राफ विद देयर इंफॉर्मेशन एंड ये रहा यहाँ का एंट्री गेट। तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ सामने दिखाया गया है आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला, उनके क्या क्या विज़न है, उनके क्या क्या मिशन है और उनके क्या क्या रोल है। और यहाँ सामने आप देख सकते हो उसमें वीडियो दिखाई गई है इस पूरे म्यूज़ियम की, आर्मी में किस पोजीशन के लिए कौन सी यूनिफॉर्म रहती है वो इस वीडियो में दिखाई गई है। तो यहाँ पर आर्मी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आर्मी के हिस्ट्री से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड, जैसा कि आप वीडियो में देख ही पा रहे हो। तो ये सामने आप देखते हो डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स है। सामने आप देख सकते हो काफ़ी सारे अवार्ड दिखाए गए हैं जिनमें कि काफ़ी सारी शील्ड्स है और कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर्मी की डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन दिखाई गई है और डेजिग्नेशन के हिसाब से कौन सी यूनिफॉर्म होती है वो चीज़ दिखाई गई है।
यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी वाद्य यंत्र दिखाए गए हैं, काफ़ी अस्त्र शस्त्र दिखाए गए हैं। इनमें से तो मोस्टली अस्त्र शस्त्र और वाद्य यंत्र ऐसे हैं जो मैं आज पहली बार देख रही हूँ, तो मुझे काफ़ी सारी नई चीज़ें यहाँ पे मिली देखने के लिए और सीखने के लिए। और यहाँ पे है फर्स्ट डे ऑफ कवर, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कैप्टन जतिंद्र नाथ सूद का ओरिजिनल वीर चक्र, और यहाँ पे काफ़ी सारे मेडल्स है। तो यहाँ पे दिखाए गए हैं सारे ऑनर्स एंड अवार्ड जो भी आर्मी में होते हैं। यहाँ पर आर्मी सोल्जर की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कौन कौन से अवार्ड जीते, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी। अगर बात करें यहाँ की टाइमिंग की तो 10 से 5 यहाँ पे समर की टाइमिंग है और 10 से 4 यहाँ पे विंटर की टाइमिंग है, जिसमें कि बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक भी रहता है। और यहाँ तक बसेस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो आप बसी से भी आ जा सकते हो। सो गाइज, ये था हमारा अनाडेल का विजिट। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड इफ यू आर न्यू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो ये हमारी बस आ चुकी है, तो चलो गाइज, बाय बाय।